आधे लोग चढ़ने लगते हैं। ये कारनामा हुआ है नॉर्दर्न रेलवे की। इसी साल 2022 में भारतीय रेलवे ने इंट्रोड्यूस किया है पहली बार बेबी बर्थ को इंडियन रेलवेज में, और ये कारनामा हुआ है नॉर्दर्न रेलवे के लखनऊ डिवीजन में, जहां पर लखनऊ से दिल्ली चलने वाली लखनऊ मेल में पहली बार इस बेबी बर्थ को इंट्रोड्यूस किया गया है। और ये बेबी बर्थ आपको पता है लखनऊ मेल के B4 कोच में सीट नंबर 12 और 60 पर अवेलेबल आपको मिल जाएगी। और ये जो सीट्स हैं ना, ये फोल्डेबल हैं एंड सिक्योर्ड हैं विथ स्टॉपर्स, बट We won't stop here. So, hi guys, this is Himanshu, और आप देखना शुरू कर चुके हैं Train Lovers HY. तो ये रही अपनी लखनऊ मेल, जो कि अभी लखनऊ जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर लगा दी गई है, और डिपार्चर टाइम के मात्र 20 मिनट पहले। तो ये अपना कोच आज B4 जिसमें अपन लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो चलो सबसे पहले लगेज वगैरह रखते हैं क्योंकि तो समय है काफ़ी कम। और ट्रेन बस प्लेटफॉर्म पे लगते ही भाई फुल हो गई है एकदम, देख रहे हो बिल्कुल भी जगह नहीं बची, पूरा जो है रास्ता भी अभी लोग बोर्ड कर रहे हैं ना, इसलिए अंदर का तो दिखाना इतने टाइम पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। तो निर्धारित समय से अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है लखनऊ जंक्शन से। कल से ये आ रही है लखनऊ तेजस एक्सप्रेस, इंडिया की पहली प्राइवेट ट्रेन ये आ रही है। हम चल रहे हैं दिल्ली की तरफ, ये आ रही है दिल्ली की तरफ से। तो अपनी ट्रेन निकल चुकी है लखनऊ जंक्शन से। अब आपको इस लखनऊ मेल का हम ट्रेन नंबर बता दें सबसे पहले, तो ट्रेन नंबर अभी तक बताया नहीं, तो इस लखनऊ मेल का ट्रेन नंबर है 12229, और ये लखनऊ मेल डेली चलती है लखनऊ जंक्शन से रात में 10 बजे और नेक्स्ट डे मॉर्निंग सुबह 6:55 पर पहुँचा देती है देश की राजधानी दिल्ली। लखनऊ के आउटर पे बस थोड़ा सा निकलने के बाद ही पता नहीं शायद गोरखपुर LTT एक्सप्रेस है जिसने ओवरटेक कर दिया अपन को, शायद गोरखपुर LTT है, पता नहीं क्लियर नाम तो दिखा ही नहीं अंधेरे में।
अभी हम आ चुके हैं अपनी सीट पे और ये सब देख के आप समझ ही रहे हो कि इस लखनऊ मेल में पेट्रोल फैसिलिटी चालू हो चुकी है। लेकिन एक चीज़ हमको थोड़ी अजीब देखने को मिली इसमें, क्या कि जो पिलो दिया ना इस पे कवर चढ़ा के नहीं दिया है। कवर हमको मिला है ये पेट्रोल वाले पैकेट के अंदर, तो अब इस पे भी कवर लगाते हैं। वैसे ज़्यादातर ट्रेन में सभी में ये कवर लगा के ही दिया जाता है, बट इसमें ठीक भी है कि मतलब चलो पैसेंजर को ये तो रहेगा कि हाँ धुला साफ़ उसने खुद ही पैकेट में से निकाल के कवर लगाया है। चलो अपना कवर लगाते हैं और पैडिंग तैयार करते हैं। निर्धारित समय से 3 मिनट की देरी से ये आ चुके हैं अपन लोग अपने पहले स्टॉप पे हरदोई, जो कि उत्तर प्रदेश के हरदोई डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और बात करें अगर हरदोई में मेन प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग की, तो यहाँ पर शुगर और ग्राउंडनट ऑयल काफ़ी ज़्यादा मैन्युफैक्चर होता है और साथ ही एक्सपोर्ट भी होता है। और यहाँ की अगर एवरेज लिटरेसी रेट की बात करें तो वो है 76%, और अपनी लखनऊ मेल का यहाँ पर मात्र 2 मिनट का स्टॉप। और बाकी मौसम देखो भाई, ये देखो चंद्रमा यहाँ दिख रहा है और खुला हुआ ये रेलवे स्टेशन है। ये देखो प्लेटफॉर्म एकदम खुला हुआ है, हवा चल रही है बढ़िया ठंडी ठंडी, देख रहे हो ना पेड़ हिल रहा है। तो यहाँ पर मौसम तो यार काफ़ी बढ़िया हो रहा है हरदोई रेलवे स्टेशन पे। यहाँ पर शेड बना हुआ है, थोड़े से एरिया में बस शेड बना है, बाकी पूरा ऑलमोस्ट खुला है। चलो भाई सिग्नल हो गया अपना ग्रीन, चलते हैं। चेन पुलिंग हो गई है भाई, चेन पुलिंग, चेन पुलिंग कर दी है, इस वजह से रुक गई है ट्रेन। आधे लोग चढ़ने लगे जिस बेबी बर्थ के बारे में हम बात कर रहे थे वो है यहाँ पर। ये देखो ये है बर्थ नंबर, सीट नंबर 60, और ये रही वो बेबी बर्थ। इसको ओपन करते हैं, यहाँ से नीचे से ओपन करने का है इसमें। जैसे कि हमने स्टार्टिंग बताया था ये रहती है फोल्डेबल, ये है ऐसी। तो ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से ये सीट दिखेगी, और जैसे कि हमने बताया था फोल्डेबल है और साथ ही में सिक्योर है ये स्ट्रैप से। अब मान लीजिए ये आपका बेबी, ठीक है ये बेबी हो गया, तो इसको आपको बस ये जो स्ट्रैप्स है ना यहाँ से ऐसे लगा के बढ़िया से, ये तो बेबी से बड़ा है थोड़ा सा, तकिया ऐसे इसको क्लोज कर देंगे। देखिए हम क्लोज करके दिखाते हैं, ये स्ट्रैप से एकदम सिक्योर हो गया है ना, अब ये कहीं गिर नहीं सकता। मतलब ये इस तरह से बनाया है रेलवे ने कि आप अपने बेबी को इस तरह स्ट्रैप लगा देंगे तो आपका बच्चा गिरेगा नहीं चलती ट्रेन में, आप आराम से चैन से जो मदर है बच्चे की वो भी सो सकती है आराम से। तो ये है इंडिया की पहली ट्रेन जिसमें बेबी बर्थ लगाया गया है। तीसरा बर्थ दिल्ली, चौथा बर्थ दिल्ली है, पैसा दिल्ली, चले गए हम। रात का बज रहा है 12:30 और
नींद तो आ रही है, लेकिन अगला स्टॉप आएगा अभी, तो उसके बाद ही देखते हैं सोने का क्या है क्या नहीं है। क्योंकि भाई अगर एकदम सो जाए तो कुछ भी रूट कवर नहीं हो पाएगा ना। तो ये कहानी है भाई रेल ब्लॉगर्स की। ओवरनाइट जर्नी में ये थोड़ी प्रॉब्लम होती है। अब इस ट्रेन का शेड्यूल ही भाई ऐसा है, रात में 10 बजे चलती है सुबह सुबह डेली। अगर रात में हम भी सो जाएंगे तो फिर तो कॉन्टेंट नहीं बनेगा ना। मालगाड़ी अभी क्रॉस कर रही है, स्लो गई है अपनी ट्रेन, मालगाड़ी क्रॉस कर रही है, उसकी आवाज़ आ रही है। और लगभग कोच में पूरे पैसेंजर लगभग क्या सभी सो ही गए हैं, लाइट्स एकदम बंद है। और अभी आपने वीडियो जब स्टार्ट हुई थी बीच में आपने देखा था ना, जो कुछ RPF वाले आए थे वो समझा रहे थे हर एक पैसेंजर को, बीच बीच में जाके हर किसी पैसेंजर को समझा रहे थे कि भाई अपना बैग मोबाइल ये सब रात में बिल्कुल ध्यान से रखना, क्योंकि चोरी हो जाती है। अपना बैग वगैरह मोबाइल है बिल्कुल भी इधर उधर मत छोड़ना गलती से भी, क्योंकि भाई चोरी हो सकती है। तो इस चीज़ का आपको भी ध्यान रखना जब भी आप इस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, ये चीज़ होती होगी तभी वो इतना जाके सबको एक एक पैसेंजर को बोला है उन्होंने यार, ये है भाई थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और बाकी अपना लगेज है जो मेन बैग रहता है आप उसको चेन वगैरह सभी लॉक कर सकते हो, तो वो सेफ्टी के लिए सबसे बेस्ट है। और जो हैंड बैग है उसको अपने पास अच्छे से रख के सो। निर्धारित समय से 40 मिनट की देरी से ये आ चुके हैं अपन लोग शाहजहानपुर रेलवे स्टेशन। और इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करता है नॉर्दर्न रेलवे, आता है ये अंडर मुरादाबाद रेलवे डिवीजन के। और इस रेलवे स्टेशन पे आपको 6 प्लेटफॉर्म्स दिख जाएंगे और यहाँ पर डेली 50,000 से भी ज़्यादा पैसेंजर्स आते हैं। और अपनी लखनऊ मेल का भी यहाँ पर मात्र 2 मिनट का स्टॉप है। और भाई आपको एक चीज़ बता दें, अपनी लखनऊ मेल में सिक्योरिटी काफ़ी हाई रहती है, क्योंकि भाई VIP ट्रेन है, ओवरनाइट जर्नी है, इसलिए काफ़ी अच्छी सिक्योरिटी आपको देखने को मिलेगी इस ट्रेन में। कोई ट्रेन स्किप करने वाली है शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन को, देखते हैं कौन सी होने वाली है। ये है अमृतसर टाटा नगर एक्सप्रेस। चलो भाई अपनी ट्रेन का भी सिग्नल हो गया है, वो भी चली गई भाई, स्किप कर गई। निर्धारित समय से आधा घंटे की देरी से ये आ चुके हैं अपन लोग हापुड़ जंक्शन, जो कि उत्तर प्रदेश के हापुड़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और इस रेलवे स्टेशन पे 2 सेक्शन आकर मिलते हैं, एक है दिल्ली मुरादाबाद, एक है मेरठ खुर्जा लाइन। और अपनी ट्रेन का यहाँ पर हापुड़ जंक्शन पे मात्र 3 मिनट का स्टॉप है। और आप सोच रहे होंगे कि भाई बरेली जंक्शन मुरादाबाद जंक्शन ये कहाँ गया। ये तो एक तो देखो पहली बात तो ये बहुत लेट नाइट आया था तो पॉसिबल नहीं था दिखाना,
और अभी कुछ टाइम पहले ही अवध असम एक्सप्रेस में हमने जर्नी की थी, तो उसी में हमने आपको दिखाया था। बार बार वही रेलवे स्टेशन हर जर्नी में दिखाएंगे तो काफ़ी बोरिंग भी हो जाएगा ना, इसलिए अब आप लोग कंप्लेन मत करना कि भाई आपने इतने बड़े बड़े रेलवे स्टेशन स्किप कर दिए, क्योंकि पहले अभी जस्ट दिखा चुके हैं इसलिए नहीं दिखाया। हमारा टारगेट रहता है हर बार नया स्टेशन दिखाने का। इस बार अपन ने कौन सा नया स्टेशन कवर किया? शाहजहानपुर किया ना, और हापुड़ जंक्शन पे। और एक और चीज़ कि अपनी इस लखनऊ मेल में जो है ना पेंट्री कार सर्विस नहीं, ओवरनाइट जर्नी आपको पता है भाई, ओवरनाइट चलती है ट्रेन सुबह सुबह, बस कुछ ही देर में पहुँच जाएंगे न्यू दिल्ली, तो इसमें पेंट्री कार नहीं मिलेगी। तो आपको सुबह सुबह अगर चाय कॉफ़ी पीनी है तो आप हापुड़ जंक्शन पे ट्राई कर सकते हो, यहाँ की कॉफ़ी बहुत बढ़िया मिलती है, हमने एक दो बार और पहले आपको दिखाया हुआ है। तो चलो यहाँ से जल्दी से फटाक से कॉफ़ी लेते हैं गर्मा गर्म। ये रही भाई हापुड़ जंक्शन की कॉफी। चलो हापुड़ जंक्शन की कॉफी टेस्ट करते हैं भाई कैसा टेस्ट है। सही है भाई, लेकिन यह है कि मतलब इतनी गर्म नहीं है आज, थोड़ी सी ठंडी दे दी, एकदम जो होती है ना गर्मा गर्म वैसी नहीं है, हल्की ठंडी दे दी, बाकी ठीक है टेस्ट। और वैसे तो नॉर्मली जो पहले भी हमने पिए तो एक दो बार स्ट्रॉन्ग, अच्छी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं ये लोग, लेकिन आज गड़बड़ थोड़ी सी कर दी है, एक तो गर्म कम है थोड़ी सी और स्ट्रॉन्ग भी कम है, देख रहे हो ना वाइट वाइट दिख रही है एकदम, बाकी ठीक है टेस्ट ये। लेकिन एक चीज़ है कि ये चीज़ नहीं है यहाँ पर कि एकदम आपको पानी पानी सर्व कर दें, वो गाना नहीं बनाता वो पानी पानी हो गई वैसी नहीं होती यहाँ की कॉफ़ी, ये चलो ठीक लगता है थोड़ा सा कि हाँ लग रहा है कि हाँ कॉफ़ी पी रहे हैं। अभी अपन लोग गाजियाबाद जंक्शन, और ये अपनी ट्रेन का ना लास्ट स्टॉप है, डायरेक्ट पहुंचेंगे अपनी डेस्टिनेशन पर। और वेदर तो यार सुबह सुबह इतना बढ़िया हो गया, मतलब पूरा बरसात ही बरसात, मज़ा आ गया। और यहाँ पर भी अपनी ट्रेन का मात्र 2 मिनट का स्टॉप है। निर्धारित समय से 17 मिनट की देरी से ही आ चुके हैं अपन लोग अपनी डेस्टिनेशन लखनऊ मेल की डेस्टिनेशन, देश की राजधानी दिल्ली। तो कैसा लगा है आपको ये ब्लॉग, ये जर्नी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि ये जो है ना पहली ट्रेन है इंडियन रेलवेज की जिसमें इस तरह की बर्थ लगाई गई, तो हमने सोचा क्यों ना आपको ये चीज़ दिखाई जाए। और बिल्कुल यार जो भी मदर्स अपने बच्चे के साथ, छोटे बच्चे के साथ ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, तो सभी लोगों तक ये चीज़ पहुंचनी चाहिए थी, क्योंकि अभी तक हम देख रहे थे ऐसा कोई भी वीडियो बना हुआ नहीं था और रेलवे की तरफ से बहुत ही कम इस चीज़ का प्रमोशन किया गया है। तो हमने सोचा क्यों ना आप लोगों तक ये चीज़ पहुँचाई जाए। तो कैसा लगा आपको इस तरह का कॉन्टेंट, कैसी लगी आपको ये जर्नी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ट्रेन लवर्स एच वाई हमारी इंस्टाग्राम आईडी देखो यहाँ मेंशन हो रही है ना, वहीं फॉलो कर लो, वहाँ सारे अपडेट्स हम देते रहते हैं। तो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि नेक्स्ट जर्नी आपसे मिस नहीं हो। तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक और जर्नी में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।